हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल, जिसमें मैं हर रोज़ ला रही हूँ आपके लिए पूरे भारत में निकलने वाली नई नई सरकारी नौकरियों की जानकारी तो और अन्य भर्तियों की जानकारी। इसी तरह से आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी की जानकारी, ऐसी सरकारी भर्ती की जानकारी जो आपके लिए बेहद ही अच्छी भर्ती है, अच्छी नौकरी है, जिसकी तलाश आपको थी। मेरे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम इस तरह की भर्ती कब निकलेगी, ये भर्ती कब निकलेगी, तो वो भर्ती आ गई है, इंतजार खत्म हो गया है आपका। इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको मैं दूंगी इसी वीडियो में कि कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी, कैसे करना है आपको इसके लिए अप्लाई और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगी कि आप हमारे चैनल को, रिंग्स चॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही भारत में कोई भी वैकेंसी निकले, कोई भी रिक्रूटमेंट निकले, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में जो निकाली गई है। लोअर डिवीज़न के सहायक की भर्ती है ये। 12वीं पास अगर आप हैं तो आपके लिए निकाली गई ये भर्ती, बिल्कुल फ्रेशर भर्ती है। 200 भर्तियां इसमें की जाएंगी। और इसमें एक और बात बता दूं आपको, ये बिल्कुल फ्रेशर भर्ती है, किसी एक्सपीरियंस की, किसी अनुभव की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12वीं पास करके बैठे हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ही फ्रेशर भर्ती है, जिसमें आपको वेतन दिया जाएगा 25,000 रुपये 200 महीने तक का, 25,200 रुपये महीने तक का इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। और देखिए आगे जानते हैं इस भर्ती के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में निकाली गई है यह भर्ती, जिसमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है। ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको इस आगे भी इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले इस भर्ती के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। 25,200 रुपये महीने तक का इसमें वेतन दिया जाएगा आपको। अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि जो कोई भी आरक्षित नहीं है, तो उसमें ओरिजिनल साइड पर निकाली गई है 12 भर्तियाँ, एपिलेट साइड पर 46, टोटल 58 भर्तियाँ इसमें की जाएंगी। अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है वो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, उसमें 31 भर्तियाँ। अनरिजर्व एक्स सर्विस मैन के लिए 5 भर्तियाँ। अनरिजर्व मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 भर्तियाँ। PWD हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 2 भर्तियाँ। अनरिजर्व PWD लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पैल्सी के लिए 2 भर्तियाँ। अनरिजर्व PWD ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए 3 भर्तियाँ। शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि SC के लिए निकाली गई हैं 8 भर्तियाँ। शेड्यूल कास्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए 14 भर्तियाँ इसमें की जाएंगी। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इसमें निकाली गई हैं 19 भर्तियां। शेड्यूल ट्राइब्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए इसमें निकाली गई है 11। OBC के लिए 13। OBC A एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए 5। OBC B के लिए 11। OBC B एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए 4 भर्तियां। PWD स्टैंड्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एज लिमिट है आपकी अगर 18 से 40 साल, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 जनवरी 1918 के अकॉर्डिंग 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं, वेस्ट बंगाल के, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग, और इन केस में आपको इसमें आपका 5 साल का इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यानी जो वेस्ट बंगाल के SC ST के लोग हैं वो कर सकते हैं 45 साल की उम्र तक अप्लाई। बहुत ही बेहतरीन भर्ती है, जिसमें इतनी ज़्यादा उम्र की सीमा रखी गई है। एज एज रिकॉर्डेड की जाएगी। माध्यमिक 10th स्टैंडर्ड की जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, उसके आधार पर आपकी एज मानी जाएगी। तो 10वीं पास वालों को इसमें ले रहे हैं। फॉर मेरिटोरियस, अगर आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एथलेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, या फिर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक, जूडो, राइफल शूटिंग, कबड्डी एंड खो खो से हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरिया इंटरनेशनल कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यहां से देख सकते हैं अपना क्राइटेरिया, जो मैं आपको यहां दिखा रही हूं, लिखा हुआ है 40% से ऊपर का आपका 40% का सर्टिफिकेट बना हुआ है डिसेबिलिटी का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ST ST OBC वालों को अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए और देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप 10वीं पास हों, 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव नॉलेज इन द वर्नेकुलर ऑफ द स्टेट, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए वर्नेकुलर स्टेट की, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज में आपको फ़ीस भरनी होगी अप्लाई करने के लिए, 250 रुपये आपको फ़ीस भरनी है। स्टेट SC फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के, अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो 250 रुपये फ़ीस भरनी है, प्लस बैंक चार्जेज आपको देने होंगे। ST कैटेगरी के हैं अगर आप, तो भी आपको इतनी ही फ़ीस भरनी है। ऑल अदर्स कैटेगरी, जो बाकी अदर कैटेगरी है, उनको 500 रुपये फ़ीस भरनी है। तो देख सकते हैं
कि जो अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी है इसको अप्लाई करने के लिए। आपको फ़ीस कैसे भरनी है, अप्लाई करने की डेबिट कार्ड से भरनी है, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से आप भर सकते हैं फ़ीस। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में भर्ती की जाएगी 24 पैरागन्स नॉर्थ में, 24 पैरागन्स साउथ में, कोलकाता में, सब डिवीज़न सिलीगुड़ी, बहरामपुर, बहरामपुर ऑफ मुर्शिदाबाद, मेडिनीपुर सदर और एट पश्चिम मेदिनीपुर, बुर्दवान सदर एट पूर्व बुर्दवान। तो यहाँ से आप भर सकते हैं, यहाँ से आपको इसमें आपकी भर्ती की जाएगी। सब डिवीज़न बाई एग्ज़ाम सेंटर्स मैंने आपको बताया, जो मैंने अभी आपको बताया वो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा ये भी इसमें बताया गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका 90 मिनट का और सब कुछ बताया गया इसमें कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो कैसा होगा। वाइवा होगा आपका, कम्पिटिटिव रिटन टेस्ट भी होगा, वाइवा वर्क टेस्ट भी होगा। डेट एंड वेन्यू ऑफ द OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टाइम क्या है OMR का वो भी बताया गया है। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर फिलिंग, ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, तो अगर मैं पूरा नोटिफिकेशन या एक एक चीज़ इसमें डिटेल में बताऊँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हेल्प डेस्क दे रही हूँ आपको नंबर, जहाँ से आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए ये है हेल्प डेस्क नंबर, ये है ईमेल आईडी जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 8697303379। दूसरा नंबर है 8337099695 जिसमें कोड लगाना है 91। दूसरा हेल्प डेस्क भी है जहाँ आप कॉल कर सकते हैं और कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तीसरा भी है हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर फॉर ऑफलाइन पेमेंट इन UBI ब्रांचेस, ऑफलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा आपको, सेंड किया जाएगा बाई पोस्ट। बहुत ही बेहतरीन भर्ती है, वेबसाइट लिंक दिया गया है जहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ये देखिए calcuttahighcourt.gov.in का ये वेबसाइट लिंक है, ये मैं आपको दे रही हूँ वेबसाइट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कब आपको फॉर्म भरना है, कब अप्लाई करना है। लास्ट डेट है 19 जनवरी 2018, तो 19 जनवरी 2018 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। ये डिटेल जो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए ऑनलाइन अप्लाई अगर आप करना है तो ये वेबसाइट लिंक है, ये भी मैं आपको दे रही हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये ओपन हो गया है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हाउ टू अप्लाई लिखा है कलकत्ता हाईकोर्ट का, ये लिंक ओपन हो गया, ये लिंक भी मैं आप दे रही हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिए गए हैं जहाँ से आप बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहे, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। कैसे फ़ीस भरनी है, कहाँ भरनी है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पूरी डिटेल, तो ये लिंक भी मैंने आपको दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैंने सारे लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कहीं आपको ज़रूरत नहीं है जाने की, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको इसी वीडियो में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं और तसल्ली से बैठ कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टाइम भी दिया गया है इसमें काफ़ी, जिसके लिए आप सोच समझ कर अप्लाई कर सकते हैं पूरी डिटेल सही से देख कर। कोलकाता हाई कोर्ट की भर्ती है, ये बेहतरीन भर्ती है, 10वीं पास लोगों के लिए फ्रेशर भर्ती है। किसी एक्सपीरियंस की, किसी अनुभव की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आज अभी इसी वक्त। और मैं कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके और इसके लिए वो अप्लाई कर सके। और मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में या अन्य किसी भर्ती के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आप इस तरह की और वीडियोज़ चाहते हैं और भर्तियों की जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगी, आपके हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही भारत में कोई भी वैकेंसी निकले, कोई भी रिक्रूटमेंट निकले, उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे द्वारा आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।